तो हमारे जो एडवांस एक्सेल विथ डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड का जो कोर्स है उसमें क्या क्या टॉपिक होगा, एक चीज पहले इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट यूजेज यूजफुल जो फीचर्स है उसके ऊपर, जिसमें हम एक्सेल के बारे में कुछ फंडामेंटल वर्क बात करेंगे। उसके बाद जो एक्सेल के मेनूज बार है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पिवट टेबल, पिवट टेबल का अच्छा खासा इसमें कई 6-7 क्लासेस है। पिवट टेबल के ऊपर जो डैशबोर्ड बनाते हैं वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, चैप्टर 1 में आपका मिसलेनियस टॉपिक होगा और साथ में पिवट टेबल भी होगा। चैप्टर 2 पूरी की पूरी पिवट टेबल पे ही डिपेंड करता है। देन चैप्टर 3 जो होगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले, जो कि मोर देन 500 फॉर्मूला हो, जिसमें लॉजिकल कैलकुलेशन, इनकम टैक्स कैलकुलेशन, उसके बाद टेस्ट वगैरह होगा, और सारे टैक्स फॉर्मूले, सारे डेट एंड टाइम फॉर्मूले, सारे रेफरेंसेस फॉर्मूले, देन लुकअप फॉर्मूले। लुकअप फॉर्मूले से वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, मैच, इंडेक्स, फिल्टर, शॉर्ट, और मोस्टली सारे फॉर्मूले कवर होंगे। साथ में यहाँ पे देखिए वी लुकअप ट्रिक्स है, मल्टीपल लुकअप वैल्यू है, राइट टू लेफ्ट एंड मल्टीपल डेटा लुकअप, एंड साथ में हम इसके इससे रिलेटेड रियल टाइम प्रोजेक्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन आपका आता है इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला, डेटा समरी फॉर्मूला, जैसे कि सम इफ, सम इफ, काउंट इफ, काउंट इफ एंड ऑल, सारे फॉर्मूले कवर करेंगे। इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला, फाइनेंशियल फॉर्मूला, और जो भी वेब फॉर्मूला और रियल टाइम फॉर्मूले के साथ जो प्रोजेक्ट है वो भी इसके साथ हम इस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो होगा चैप्टर 3 तक जो होगा आपका कैटराइज फॉर्मूला होगा चैप्टर 3 में। उसके बाद एडवांस फॉर्मूला, मतलब कि हम इसमें एरे फॉर्मूला लगाने जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड एरे फॉर्मूला, जिसमें हम कई सारे जैसे कि बहुत सारे लंबे लंबे फॉर्मूले जो होते हैं, 10, 5 लाइन, 7 लाइन, 10 लाइन के, ऐसे फॉर्मूले लगाना सीखेंगे। ठीक है, लार्ज एंड मैनी फॉर्मूला इन द वन सेल, एंड हम फॉर्मूले की मदद से एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे, रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेंगे फॉर्मूले की मदद से। तो यहां तक जो आपका चैप्टर 3 तक आपका क्या है, फॉर्मूला है। चैप्टर 3 के बाद हम बात करेंगे रिपोर्ट ऑटोमेशन। अब फॉर्मूला, पिवट, जो भी चीजें हमने पढ़ी है उसकी मदद से हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, जैसे कि सैलरी ऑटोमेशन हो गया, या लोन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट हो गया, इस तरह के रियल टाइम जो प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 4-5 मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, बट ये चेंज होते रहते हैं। आप इसमें अपना प्रोजेक्ट भी डाल सकते हैं कि हाँ सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है। जी 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 बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आएगा डेटा मेनू बार, जिसमें हम डेटा को इंपोर्ट करना, सारे डेटा सोर्सेज से हम डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे, कोई फोटोज है उससे डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे, पीडीएफ से डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे। देन पावर क्यूरी, डेटा इंपोर्ट करने से पहले उसके अंदर कुछ एडिशन वगैरह करनी है तो एडिशन वगैरह कवर करेंगे। देन माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एडवांस फिल्टर, एडवांस टेक्स्ट टू कॉलम्स, डेटा वैलिडेशन और सारे मेनूज के जो फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स जो यूजफुल है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देन हम बात करेंगे चार्ट, सारे टाइप के चार्ट होंगे, त्रिक चार्ट होंगे, डायनेमिक चार्ट होंगे, और चार्ट के ऊपर जो बटन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स जैसे, वो सारे अप्लाई करना हम सिखाएंगे। तो चैप्टर 6 तक आपका सारा का सारा टॉपिक कवर हो। चैप्टर 7 आपका लास्ट होगा, जिसमें हम फाइनली डैशबोर्ड्स बनाएंगे, 2-3 डैशबोर्ड बनाएंगे। इसमें कुछ डैशबोर्ड मैं बनाऊंगा और कुछ डैशबोर्ड आपको बनाना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका इसी तरीके से मूव करेगा। क्लासेस 45 मिनट के आसपास पर डे होगा। अब ड्यूरेशन ये एवरेज है, ये फिक्स नहीं है, कभी 1 घंटा भी हो सकता है, कभी 1.5 घंटा भी हो सकता है, और कभी आपका 30 मिनट भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपने अभी तक कितना प्रैक्टिस किया है। मुझे लगेगा कि आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको ब्रेक दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ठीक सर। अब कोर्स से कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मेरा 10 o'clock मेरा ऑफिस होता है जाने के लिए टाइम, तो क्या हम 9:15 का कर सकते हैं? 9:15 टू नहीं मैम, मैं बता रहा हूँ आपको, तो ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, तो
उनकी बैच है ना इसलिए। ओके नहीं मॉर्निंग में तो मैं मिलेगा, फिर आपको इवनिंग में, फिर आपको टाइम नहीं हो पाएगा। टाइम सही है, आप कीजिए ना पहले शुरुआत तो कीजिए, फिर देख लेंगे ओके ठीक है। अगर 9 बजे वाले से पूछूंगा, अगर शिफ्ट हो जाता है तो आपको 9 बजे शिफ्ट कर दूंगा, या जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन मैं बोल दूंगा कि 9 बजे आ जाइए आप। ठीक ठीक है। तो ये का टाइम ड्यूरेशन क्या है सर, इसका कुछ आइडिया मतलब ठीक कितने है, टाइम दो में महीने तो कम से ये। कम लगेंगे, अब ज्यादा जितना लग जाए वो डिपेंड करता है आपके ऊपर ठीक है सर। ठीक है। ऐसे बोलेंगे तो मैं तो 10-15 दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर आप नहीं खत्म कर पाएंगे। मैं तो आपकी स्पीड, सीखना है मतलब हाँ मैं तो आपकी स्पीड के साथ चल रहा हूँ इसलिए। हाँ जी अब यहाँ पे आज हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी बेसिक चलते हैं। पता है कि आपको एक्सेल के बारे में पहले से बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन थोड़ी सी बेसिक को लेकर चलते हैं। बेसिस से ही स्टार्ट कर जी देते हाँ, यहाँ मैं समझता, हाँ हैं। बिल्कुल यहाँ मैं पूनम जी समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो है, निल है। जीरो हो सकता है इसमें राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेल है क्या। एक्सेल जस्ट लाइक ए स्प्रेडशीट, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम जो रजिस्टर यूज करते थे वो रजिस्टर, आप अगर 15-20 साल पीछे जाएं, जहां कंपनी में, हर कंपनी में सिस्टम नहीं हुआ करते थे, वहां पे क्या यूज करते थे, सारी चीजों के लिए रजिस्टर यूज करते थे। बहुत सारे जो हमारे बैंक्स थे, ग्रामीण बैंक्स थे, पोस्ट ऑफिस था, वो सारा लेजर रजिस्टर पे मेंटेन करते थे ठीक है। सेम थिंग आपका एक्सेल है कि यहाँ पे रो एंड कॉलम। एक्सेल से हम करेंगे क्या, तो एक्सेल पे हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल कर सकते हैं, चार्ट एंड ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीवीटी के जरिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सीआरएम की तरह भी इसको यूज की जा सकती है। ऑलमोस्ट वो सारी चीज की जा सकती है जो आपकी कंपनी में जरूरत है ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चार मेजरली यूज लेके आया, और किसी ने आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज यूज द एक्सेल या एक्सेल क्या है, ऐसे कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों ने पूछ दिया, तो आपके पास एक सटीक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, या आपको ही पता होना चाहिए कि सटीक हम क्या यूज करेंगे। सबसे पहला यूज है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, डेटा स्टोरेज। हम एक्सेल में अपना डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी आपको मैं बोल देता हूं, एक्सेल नॉट ए डेटाबेस, मतलब कि एक्सेल को हम डेटाबेस नहीं बना सकते। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जैसे मान लीजिए मैं अपने फाइल बनाया और उसको मैंने थोड़ा सा सिक्योरिटी लगाने के लिए हमने इस पे ताला लगा दिया, मतलब कि पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया। जैसे पासवर्ड डाल रहा हूं ना, यहाँ क्लियर बोल रहा है कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर, और हम तो इंसान है सर, पासवर्ड तो भूलते ही है। हमने कितनी बार तो अपने जीमेल का पासवर्ड भूल गया, कितनी बार तो एटीएम का पासवर्ड भूल गया। बिल्कुल तो अगर मान लीजिए मैंने डेटा बनाया और पासवर्ड भूल गया तो डेटा गया। हालांकि कई सारे तरीके हैं पासवर्ड तोड़ने के, लेकिन 100% कारगर नहीं ठीक है। आप घर में ताला लगा के चाबी को इग्नोर कर देंगे सोच के कि इसका दूसरा चाबी बना लूंगा, तो हर ताला की दूसरी चाबी थोड़ी बन जाएगी। सेम उसी तरह से तो क्वेश्चन आता है कि जब इसको डेटाबेस नहीं बना सकते तो डेटा स्टोर क्या करेंगे। तो देखिए इसमें हम तीन तरह के डेटा स्टोर करते हैं, मिसलेनियस। जैसे कि आप अकाउंट में हैं, अकाउंटिंग आप करते हैं, तो जनरली आप अकाउंट के लिए सैप, फिको, बीजी, टैलियस यूज करेंगे। अब मान लीजिए जो ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे आपने 10 रुपए की चाय किसी क्लाइंट को पिलाई, 100 रुपए किसी को कहीं जाने के लिए कन्वेंस दिया, अब इसका लेजर एंट्री थोड़ी करेंगे आप टैली में, पॉसिबल है नहीं है ना, क्योंकि तो फिर तो लेजर बनाते रह जाएंगे हर हमेशा। तो यहां लेकिन हिसाब तो रखना है, तो टैली के अंदर या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसके अंदर हम एक पेटी कैश नाम का लेजर बना देंगे, उसमें डालेंगे। लेकिन 10-15 हजार का खर्चा कम से कम छोटे मोटे ऑफिस में होता है, बड़े ऑफिस की तो बात ही अलग है, 10-15 हजार के हिसाब रखना पड़ेगा ना। तो ऐसे हिसाब को कहाँ रखेंगे, एक्सेल में रखेंगे। या एक दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आप पेरोल का पेरोलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अटेंडेंस क्या लग रहा है, अटेंडेंस ऑटोमेट की जा सकती है। सारे कंपनी बोले कि आप सभी लोग ऑटोमेट और अटेंडेंस को ऑटोमेट कर दें,
नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो फील्ड में काम करते हैं। अब मान लीजिए कि एक बंदा गुड़गांव में रहता है और उसकी ऑफिस नोएडा में, और नोएडा के ऑफिस के एक क्लाइंट गुड़गांव में रहता है, जैसे कल जाके उसको विजिट करना है, ओवर अटेंडेंस लगाने के लिए पहले गुड़गांव से नोएडा आएगा, फिर वापस नोएडा से गुड़गांव जाएगा। ये तो टाइम, पैसा, फ्यूल सब चीज के वेस्ट होगा ना। ऐसे केसेस में जाहिर सी बात है एम्प्लॉय क्या करेगा, वो गुड़गांव चला जाएगा, क्लाइंट से विजिट करेगा। अब मान लीजिए क्लाइंट के साथ उसका काम ज्यादा हो गया और शाम उसका ऑफिस टाइमिंग पूरा हो गया, तो फिर वापस अटेंडेंस लगाने के लिए ऑफिस तो नहीं आएगा ना, वो नहीं वर्ष लग जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर सिस्टम ऑटोमेट कर दे कि थंब प्रेजेंस से किसी और मेडो से ऑटोमेट कर दे, तो क्या होगा, आएगा तो अटेंडेंस नहीं लग पाएगा ना सर। उसकी। हाँ, इसीलिए हर कंपनी के हर डिपार्टमेंट में अटेंडेंस दो तरह से लगते हैं, एक तो जो है थंब प्रिंट से लगाया उससे तो लगाया ही लगाया, उसके अलावा उनके टीम भी यूज करती है अपना अटेंडेंस और भेजती है। फिर एचआर, हम लोग तो करते थे, क्या करता था कि जो मशीन के अटेंडेंस है और जो टीम का अटेंडेंस है उसको मैच करते थे, जहां पे प्रॉब्लम होती थी वहां पे अप्रूवल लेते थे कि इस दिन मशीन में इसका एंट्री नहीं है, क्या आया था, आप अप्रूव कीजिए। देन मैनेजर, एचओडी, जो भी कंसर्न पर्सन है उनको अप्रूव करता था कि हाँ ये आया था, इस काम से बाहर गया था, इसकी अप्रूवल है। लेकिन बिल्कुल फिर भी हमने एक्सेल भी यूज किया ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसा काम, ऐसी टेबल जिसकी एंट्री हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते, क्योंकि तो सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए हमें टेबल वगैरह बहुत सारी चीजें बनाना पड़ेगा, बट हमें उसकी रखना जरूरी है, टेम्परेरी रखना है, लेकिन रखना है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सेल पे डालें। दूसरा आता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस। अब ऐसा उद्यमी जो छोटा है और टैली, बीजी और क्या बोलते हैं, एसक्यूएल, ऑरेकल जैसे सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकता और उसके पास उसका जगह भी नहीं है रखने, वो अपने आप, मान लीजिए कि आपकी 5 लोगों की फैमिली है और आप पूरे साल का अपना अनाज को स्टोर करना चाहते हैं, तो मुश्किल से आप 4 या 5 क्विंटल होगी, तो 8-9 बोरे होंगे, तो घर में कहीं आप उसको रख सकते हैं। अब उसके लिए वेयर हाउस थोड़े बनाएंगे, अगर पूरे गांव का रखना है या पूरा एक शहर का खाना स्टोर करना है, देन नीड द वेयर हाउस। सेम उसी तरह से अगर हमारा डेटा अकाउंट अगर बहुत छोटा है, एक लिमिटेड है, और हम एक सिस्टम, एक वन पीसी पे काम कर रहे हैं, तो हमें सर्वर की क्या जरूरत है, हम एक्सेल पे मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तीसरा आता है एनालिटिक्स डेटा। जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, कोई भी डैशबोर्ड या कोई रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये डैशबोर्ड हमने बनाया, ये रिपोर्ट बनाया, जो भी समझिए इसको। अब ये क्या है, एक होता है कि पीडीएफ टाइप का होता है, कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके यहाँ पे आपने डाल दी, सारे फॉर्मूला रिमूव करके सिर्फ एक सीट भेज दिया, तो ठीक है, उसके लिए डेटा की जरूरत नहीं है। बट बनाने के लिए या लिंक रखने के लिए हमें डेटा तो चाहिए चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको एक्सपेंस एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, आपको बोला गया कि बताओ 3 महीने का, एक 3 महीने जो हमारा एक्सपेंस हुआ है उसका एनालिसिस करके दो। तो सबसे पहले 3 महीने का डेटा आप अपने सिस्टम से डाउनलोड करेंगे ना, क्योंकि आपके सिस्टम में डेटा तो पूरे साल या जब तक कंपनी आई सबका एक टेबल में पूरा ऊपर से नीचे तक होगा, आपको एनालिसिस तो 3 महीने का करना है, पूरा डेटा तो लेना नहीं है। तो वहां से क्यूरी चला के किसी और मीडियम से आप 3 महीने का डेटा लेके आएंगे, देन उसको आप एक्सेल के एक सीट पे होल्ड करेंगे, देन उसकी कैलकुलेशन करके फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो ऐसे केसेस में मुझे उसको डेटा को होल्ड करना पड़ेगा अपने एक्सेल से ही।
तो डेटा स्टोर के बाद हम आगे मूव करते हैं दूसरा यू जो कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए मेरे हिसाब से अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक्सेल से बेटर कोई सॉफ्टवेयर नहीं। क्यों? क्योंकि तो आपके एक्सेल में और ले ली कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे फॉर्मूले। अब वी लुक का पेज लोग फॉर्मूला लगाते हो भी कैलकुलेशन में ही आता है। कैलकुलेशन के लिए और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हर टाइप की कैलकुलेशन की फॉर्मूले है। इसके अलावा आप इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ एक लगाया हुआ है कि मुझे ग्रोथ रेट निकालना है कि क्वार्टर वन में 85 यानी क्वार्टर टू में 90 सेल हुआ है, उसका ग्रोथ रेट क्या है। अब ग्रोथ रेट के लिए एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सिंपल फॉर्मूला क्या करता है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो हमने क्या किया, लेटेस्ट मतलब कि बी टू ओल्डेस्ट मतलब कि ए टू माइनस करके रिजल्ट को फिर ए टू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो रेट निकल गया। यहाँ पे ग्रोथ रेट निकल गया 6%, कि हम क्वार्टर वन की अपेक्षा 6% बढ़े हैं, 5 पॉइंट कुछ%, लेकिन ओवरऑल 6% निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक्सेल में क्या है कि आप फिर एक सेल टू सेल कैलकुलेशन करते हैं, आप देख सकते हैं ए टू बी टू को एक सेल को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर पे जाएं, जैसे कि आप पावर बीआई पे जाएं, आप टैबलू पे जाएं, एसक्यूएल पे जाएं, एक्सेस पे जाएं, और भी जो भी सॉफ्टवेयर पे जाएं, तो वहां पे क्या होता है, एक फील्ड को दूसरे फील्ड से कैलकुलेट करता है। बट यहाँ हम एक सेल को दूसरे सेल से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए आप एक्सेल के ऊपर हर तरह की कैलकुलेशन, जैसे कि आपकी सैलरी कैलकुलेशन हो गया, कमीशन कैलकुलेशन हो गया, आपका बिलिंग हो गया, इनवाइसिंग हो गया, वो हर एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं। बैलेंस शीट हो गया, हर एक चीज यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक देन तीसरा आता है डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने डैशबोर्ड टू खोलता हूँ, ये अधूरा है, इस पे आता हूँ। अब ये डेटा मुझे आपके बॉस ने बोला दिया, आप चाहते हैं, आपको बोला कि ये बताओ कि मुझे पता करना है कि मंथली ईयरली किस ईयर के किस महीने में कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में सेल हुई, एक इन्फॉर्मेशन दे दो मुझे। अब इसके लिए कोई और कहेंगे उससे अच्छा सिंपल, इस इन्फॉर्मेशन को आप मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड में प्रिपेयर कर सकते हो। आप इसको लिए, पिवट लगाए, ओके किए, आपने क्या किया कि अपना प्रोडक्ट को उठा के रो में रखा, मंथ को उठा के रो के सेल में रखा, ईयर उठा के यहां पर रख दिया, ठीक और अपनी क्वांटिटी उठाया है। कुछ मिनट में आपकी डेटा बन गई। या फिर आप जो है अगर आप एनालिसिस करें तो पिवट के लिए एनालिसिस हुआ, अदरवाइज जैसे डैशबोर्ड दिखाया था, इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि एक्सेल की सेल 5692 है, 15% का ग्रोथ है, सितंबर में इतना सेल हुआ था, हर स्टोर के हिसाब से सेल का ये मेथड है, तो यहाँ पे इजीली एनालिसिस कर सकते हैं और इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिर प्रेजेंटेशन क्यों यूज करेंगे। आपने प्रेजेंट बहुत सारे स्टूडेंट पूछ देते हैं कि सर आप बोलना है डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन तो हम पावर पॉइंट के थ्रू मोस्टली करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बात जब बात आती है डायनेमिक रिपोर्ट्स की, उस समय हम एक्सेल प्रेफर करते हैं। जैसे एग्जांपल, ये अक्टूबर का डेटा आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ये जो सेल आपको दिख रही है किसकी है, अक्टूबर की सेल। तो पावर पॉइंट में मान लीजिए इसको आपने बना के प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करते समय सामने वाला बंदा पूछता है बताइए सितंबर का सेम सेल कैसा है, तो आपके पास क्या चारा रह जाएगा कि सितंबर का पावर पॉइंट खोलिए, अगर आपने नहीं बनाया तो दोबारा बनाइए क्या। लेकिन यहां जस्ट मैं सितंबर पे क्लिक करूंगा, पूरा रिपोर्ट सितंबर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो गया। जस्ट सिंगल क्लिक पे मैंने दिल्ली पे क्लिक किया तो सितंबर के अंदर दिल्ली का पूरा रिपोर्ट प्रिपेयर हो गया। ठीक तो इस तरह की डायनेमिक पावर पॉइंट में तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, इसलिए हम डेटा को एनालाइज भी एक्सेल के थ्रू इजीली कर सकते हैं और रिप्रेजेंट भी आसानी से कर सकते हैं। अब चौथा जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट,
अगर ये अगर ना हो तो एक्सेल यूजलेस हो जाता है। शेयर द डेटा, अब क्वेश्चन आता है कि सर शेयर द डेटा सिंपल है कि हम एक्सेल फाइल किसी को भेज देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि ऑफिस से फोन आया और बोला कि आपको आप जो है मुझे 1,000 रुपया दीजिए, हम आपको लाइफ टाइम जियो का सिम फ्री दे देते हैं, आप जियो टू जियो फ्री में बात कीजिए, तो क्या लग रहा है आप? अच्छा दे दो दे दो दे दो। एक एनालिटिक्स क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं जो कि जियो से जियो बात करते हैं, जियो पे है। मतलब पता चला कि आपकी पूरी फैमिली, तो आपका पूरा ऑफिस, आपका कलीग, आपका फ्रेंड सब एयरटेल यूज कर रहा है, तो आप जियो ले गए और जियो फ्री, जियो टू जियो फ्री बोल रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? आपका पैसा तो वेस्ट हो गया। सेम उसी तरह से मैंने पावर बीआई में रिपोर्ट बना दी, मैंने टैबलू में रिपोर्ट बना दी, या मैंने कहीं और रिपोर्ट बना दी और आपको भेज दिया, तो क्या फायदा जब आप रिपोर्ट को देख ना पाए? क्योंकि आपके पास पावर बीआई, टैबलू और अदर सॉफ्टवेयर नहीं है। अब आप मेरी एक रिपोर्ट देखने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड तो नहीं करेंगे। लेकिन एक्सेल तो सबके पास है। हमें लगता है कि ऐसा ऑफिस होगा जहां एक्सेल नहीं है, मान ले जहां एक्सेल नहीं है वहां ओपन आरपी होगा, सैमसंग होगा, या कुछ भी नहीं हुआ तो गूगल सीट तो है ही। तो इतना कंफर्म है कि जो रिपोर्ट मैंने बनाई है वो हर कोई देख सकता है। ठीक है, ठीक सर, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि हम एक्सेल का यूज डेटा स्टोरेज, डेटा कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन और डेटा शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेटा एंड रिपोर्ट शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल में हम लोग डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मॉडल एनालिसिस, चार्टिंग एंड ग्राफिंग, प्रोग्रामिंग विद वीवीए, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। राइट, अब क्वेश्चन आता है कि जो मैं नया एक्सेल 365 जो कि एक्सेल 2021 है, इसमें नया चीज क्या है? तो ये लिंक मैं आपको भेज दूंगा, इस पर क्लिक करके आप देख लीजिए कि नया क्या क्या है। ठीक है, ठीक अब बात आती है सैंपल की कि हम इसमें किस तरह के रिपोर्ट्स बना सकते। तो ये जो मैं कुछ कटआउट में दिया है जो कि मैं क्लास में बहुत सारी चीज डिस्कस कर रहा हूँ करूंगा, और इस तरह के सारे रिपोर्ट्स आप एक्सेल में हमारी कोर्स सीखने के बाद आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम लग सकता है बट एफर्ट नहीं लगेगा। अब कुछ लोग तो आपको वर्किंग है बट बोलते हैं कि जॉब्स का क्या रोल है, तो आप यहाँ देखिए, मैंने कुछ दिन पहले Naukri.com और भी दो तीन साइट्स पे जाकर सर्च किया था, कुछ कटआउट मैंने निकाले हैं जो वैकेंसीज आती है कि हम एक्सेल सीखने के एक्सेल से कि किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं, क्या पैकेज मिलेगा और सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन है। डिटेल्स के लिए आप Naukri.com, Monster.com जो जॉब पोर्टल साइट है वहां पे जाकर सर्च करें और देखें कि किस तरह की वैकेंसीज आ रही है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में गलती क्या करते हैं लोग कि पहले कोर्स करते हैं देन जॉब ढूंढते हैं, पता चलता है कि जो कोर्स उन्होंने किया उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग है। जैसे मान लीजिए सैप आपने सीख लिया, पता चला कि सैप पे फ्रेशर कोई लेता ही नहीं, सैप पे में से एक्सपीरियंस बंदा लेता है, फ्रेशर के वैकेंसी बहुत कम आती। इसलिए मैं बच्चों को हर किसी को बोलता हूँ कि कोई भी कोर्स करने से पहले Naukri.com पे जाएं और वहां पे पहले रिसर्च करें कि जो आप कोर्स करने के बाद जिस तरह के जॉब पाएंगे उसके लिए क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सैलरी पैकेज है, क्या क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है, किस सिटी में अवेलेबल है, देन यू स्टार्ट द लर्निंग। ठीक है पूनम जी, थैंक यू। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया एक्सेल की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन।